नानक देव पातशाह जी का पवित्र चरणशो स्थान जिसके दर्शन दारे पासपोर्ट ना होने करके कई संगत नहीं कर पा रही उन्हां वास्ते भारत सरकार वालों ये विशेष कार्रवाई की जा रही है। भारत सरकार दी वलों सिख संगत नूं वड्डी खुशखबरी दित्ती गई है। हुण सिख संगत बिना पासपोर्ट तो भी श्री करतारपुर साहिब दे दर्शन दीदारी कर सकेगी। जी हाँ, भाजपा लीडर मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस संबंधी जानकारी दी है। उन्हें कहा कि हुण जिन्हां दे कोल पासपोर्ट नहीं वह भी श्री करतारपुर साहिब दे दर्शन दीदारी कर सकणगे। उन्हें कहा कि केंद्र सरकार दे वलों 9 मीटर उच्चा टावर बनाया जाएगा। इस प्लाजे दे विच एक समय च 450 सिख संगत श्री करतारपुर साहिब दे दर्शन दीदारे कर सकेगी। उन्हें दस्या कि इस टावर नूं बनन दे विच 6 महीने लगनगे, जिस तों बाद सिख संगत बिना पासपोर्ट तों इस जगह तों श्री करतारपुर साहिब दे खुले दर्शन दीदारे कर सकेगी। गुरु नानक नाम लेवा संगत वास्ते बहुत वड्डी खुशखबरी आ, जो करतारपुर साहिब गुरु नानक देव पातशाह जी का पवित्र चरणशो स्थान जिसके दर्शन दारे पासपोर्ट ना होने करके कई संगत नहीं कर पा रही सी उन्हां वास्ते भारत सरकार वालों ये विशेष कार्रवाई की जा रही है। ये एक विशेष तौर पर उत्थे टावर खड़ा किया जा रहा है, 9 मीटर उच्चा जिहदी हाइट होगी, जिहदे अंदर सारिया संगत उस स्थान तो गुरु साहब के स्थान के दर्शन दारे खुले दर्शन दारे कर सकते हैं। इस प्लाजा के अंदर वड्डियां स्क्रीनां लगनगियां, टोटल एयर कंडीशन होगा, एक वक्त से 450 लोग इस दे अंदर जाके दर्शन कर सकेंगे और इस प्लाजा तो सीधा करतारपुर साहिब के दर्शन दारे किए जा सकेंगे। ये जो दर्शनी स्थान है ये लगभग अगले 6 महीने कंप्लीट हो जाएगा और 6 महीने बाद संगत जिन्हों को पासपोर्ट नहीं वो सीधे दर्शन दारे कर सकनगियां। इस वास्ते मैं भारत सरकार देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कोटान-कोट शुक्राना करता हूं। दस दी कि पाकिस्तान च श्री करतारपुर साहिब दे दर्शन दीदारे करने तो पहला पासपोर्ट ते सिख संगत नूं वीजा लगवाना पैंदा है, जिस तो बाद ही सिख संगत श्री करतारपुर साहिब दे दर्शन दीदारे करदियां ने। पर तुहानूं इह वी दस दी कि जिन्हां दे पासपोर्ट नहीं बने होए वह सिख संगत भी हुण श्री करतारपुर साहिब दे दर्शन दीदारे कर सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाबी लोक चैनल।